देखिए, आज जो टॉपिक हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हमारा कंपोजिशन टॉपिक से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? हमारा कंपोजिशन टॉपिक से रिलेट करता है। आज हम आपकी क्लास में कंपोजिशन के पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपोजिशन किस लिए एप्लीकेबल है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, कंपोजिशन स्कीम को हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं कंपोजिशन लेवी। ठीक है, हम इसे कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, लेकिन इसका रियल नाम है कंपोजिशन लेवी, इसका नाम है। सर, इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो सेक्शन 10 है और रूल है 3 से लेकर 7 और फॉर्म है 0। बेसिकली ये सेक्शन लाने की ज़रूरत क्या थी या कंपोजिशन लाने का मेन पर्पस क्या था, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये बात नहीं समझ में आएगी तो उस लाने का मतलब दिक्कत रहेगी। होता क्या है, हर कंपनी में या गवर्नमेंट जानती है हमारे पास छोटे व्यापारी भी हैं। कौन है? छोटे बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ठीक है, इतने तक टर्नओवर। अगर हम उनसे कहें कि तुम अपनी जीएसटी रिटर्न भरो, महीने की रिटर्न भरो, 3B भरो, GSTR 1 भरो, ये भरो, वो भरो, तो उनको परेशानी होगी, उनको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। उनको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होगी। क्लियर? हमने एक स्कीम लाई, हमने कहा अगर तुम छोटे व्यापारी, छोटे मतलब बताऊंगा कितने छोटे व्यापारी हो, तो तुम्हें मंथली रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हर महीने GSTR भरने की जरूरत नहीं है, हर महीने GSTR 3 भी भरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कंप्लायंस कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुम्हारे ऊपर कंप्लायंस कम हो जाएंगे। तो इसलिए कंपोजिशन छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई, बड़े व्यापारी इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है सर, कंपोजिशन का बेनिफिट क्या? देखो, रजिस्ट्रेशन तो हर में होता है, चाहे आप नॉर्मल डीलर बनो या फिर कंपोजिशन डीलर बनो, तो कंपोजिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आपको पता होगा अगर मैं नॉर्मल डीलर होता हूँ तो मुझे रिटर्न मंथली भरनी होती है, ठीक है, एक GSTR 1 और दूसरी GSTR 3 भी, साथ साथ अगर टैक्स पे करता हूँ तो मुझे उसका क्या लेना पड़ता है? रिफंड रिफंड लेना पड़ता है, और साल में एक और रिटर्न भरनी होती है जिसका नाम होता है एनुअल रिटर्न। और पता है नॉर्मल स्कीम में 3, 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स है, मतलब अलग अलग टैक्स है। क्या है? अलग अलग टैक्स है। लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम आई तो उसके अंदर कहा गया कि हम इन बातों को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इन बातों को चेंज, क्योंकि वो किसके लिए लाई गई है? छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई। अब सर, छोटा व्यापारी कौन सा होता है? सर, जिसकी हाइट छोटी हो वो छोटा व्यापारी है। सर, जिसका साइज छोटा है वो छोटा व्यापारी है, या जिसका वेट कम है वो छोटा व्यापारी है, या जिसका टर्नओवर कम है वो छोटा व्यापारी। तो इसमें से हम किस पिक को पिक करेंगे? अगर कोई बंदे का टर्नओवर कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? छोटा व्यापारी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों की नज़र में कौन है ऐसा व्यापारी जो छोटा व्यापारी है? बताओ, आप में से कौन है वो छोटा व्यापारी? कितने लाख रुपए का छोटा मानते हो? आपके हिसाब से कितने लाख रुपए का व्यापारी छोटा होगा? 1 लाख बोले। बोली लग रही है 50 लाख, 20 लाख। हाँ बोले ज्योति। छोटे टर्नओवर का मतलब होता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे का होगा वही छोटा व्यापारी। आपको पता है परचून वाला भी ना साल में 30 लाख रुपए का पान बेच देता है चूना लगाकर। कितने का? 30 से 40 लाख का माल बेच देता है। छोटी दुकान भी ना जिसका मंथ का 5 लाख का टर्नओवर है, 60 लाख की सेल हो जाती है। 50 लाख, 60 लाख कोई नहीं एक बिजनेसमैन की लाइन के अंदर, उसे आप छोटा व्यापारी, 1 लाख 50 हज़ार छोटा व्यापारी बोल रहे हो आप। छोटा व्यापारी वो होगा जिसका टर्नओवर कितना होगा? 1.5 करोड़ से नीचे होगा। अगर मैं 45 हूँ तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, मैं अगर 74 लाख हूँ तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अगर मेरा टर्नओवर कितने का है? 1 करोड़ 1 लाख, तो तब भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 60 लाख का होगा तो मुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। क्लियर है? समझ आ गया? कंपोजिशन स्कीम के अंदर बेनिफिट ये कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न के कंप्लायंस कम हो जाएंगे। आपको मंथली रिटर्न नहीं भरनी, क्वार्टरली रिटर्न भरनी। क्या भरनी है?
क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, और रिटर्न भी कौन सी भरनी है, GSTR 4, या दूसरे लफ्जों में इसका नाम चेंज करके आप कर दिया फॉर्म GSTR CMP 08। क्या नाम रख दिया इसका, GSTR CMP 08। और सताए ये आपको क्वार्टरली भरनी है, क्या भरनी है आपको, क्वार्टरली। और इसमें कोई टैक्स रेट, दो ही टैक्स रेट नहीं, या तो 1% होगा या तो 5% होगा, ज्यादा टैक्स रेट होंगे ही नहीं, ठीक है। ये कंपोजिशन का बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। जब कंपोजिशन स्कीम पढ़ोगे तो याद रखना, कंपोजिशन स्कीम पढ़ते वक्त हम नॉर्मल मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। बेसिकली ये दो सेक्शन ही RCM के हैं, कौन से हैं, RCM। अगर तुम कंपोजिशन पढ़ोगे तो GST के बाकी सभी लोग को डिलीट कर देना, बाकी सभी लोग को क्या कर देना, डिलीट। लेकिन किस लोग को रखना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। मतलब कहने का ये कि कंपोजिशन किसके ऊपर भी लगता है, RCM वाले के ऊपर भी लगता है, बाकी सभी बातें क्या हैं, डिलीट है, बाकी सभी बातें क्या हैं, डिलीट। इसके बाद आगे बढ़े, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में अभी जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, उससे पहले की बता रहा हूं, इंडिया में 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी, कितनी थी, 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी, जिसमें 18 आपके नॉर्मल स्टेट थे और 11 आपके स्पेशल स्टेट थे, ठीक है। 18 नॉर्मल स्टेट थे और 11 क्या थे आपके, स्पेशल स्टेट। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो कितनी यूनियन टेरिटरी हमारे पास, 7 हैं, लेकिन 5 यूनियन टेरिटरी किसके अंदर हैं, जो अभी भी यूनियन टेरिटरी हो, लेकिन 2 क्या हैं, यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी गवर्नमेंट उसे क्या मानती है, स्टेट मानती है। जैसे दिल्ली और पांडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी, अगर आप आर्टिकल अपना संविधान पढ़ो तो संविधान में GST एंड पांडुचेरी बोथ आर यूनियन टेरिटरी, क्या है, यूनियन टेरिटरी, बट इन द GST लॉ उसे क्या माना गया है, एक स्टेट माना गया है। तो 5 में से कितना घटा देना, 2, तो अब वैसे आपकी GST के लिए कितनी यूनियन टेरिटरी है, 5, और स्टेट आपके कितने हो जाएंगे, 20 तो नॉर्मल और 11 स्पेशल, क्लियर है। सर ये स्टेट पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, अगर तुम स्पेशल स्टेट में आओगे तो तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, और अगर तुम नॉर्मल में आओगे तो 1.5 करोड़ रुपए, समझ रहे हो। अगर मैं नॉर्मल में जाऊंगा तो टर्नओवर कितने लगेगा, 1.5 करोड़, और स्पेशल में जाऊंगा तो कितना लग जाएगा, 1 करोड़, कितना लग जाएगा, 1 करोड़, क्लियर है। वैसे तो स्पेशल स्टेट हमारे लिए 11 हैं, लेकिन GST के लिए हम स्पेशल में 2-3 स्टेट को माइनस कर देते हैं, पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा असम, क्लियर है। और इन तीनों को इसमें क्या कर देते हैं, प्लस, तो 18 और 3 21 और 2 23 हो गए, 23 आपके नॉर्मल स्टेट है और आपके 8 क्या है, स्पेशल। तो यहाँ पर लिमिट कितनी रखी गई, 1 करोड़ रुपए, और यहाँ लिमिट कितनी रखी गई, 1.5 करोड़ रुपए रखी गई, क्लियर है, ये बातें याद रखनी, समझ आ गया। अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते होगे तो आपको 1% टैक्स देना है, कितने परसेंट देना है, 1%, जिसमें आधा परसेंट CGST और आधा परसेंट SGST, क्लियर है। लेकिन आप मुझे बताओ मैं कितना टैक्स दूंगा, आप मुझे बताना, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे कितना टैक्स देना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा जितना तुम्हारा टर्नओवर होगा उसका 1% देना, तो आप मुझे बताना कितना अमाउंट एग्जैक्ट। अगर मेरा टर्नओवर 1,60,00,000 है और मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो बताओ मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। हाँ परफेक्ट, बात तो यही है कि मुझे क्या नहीं मिलेगा, कंपोजिशन। मेरा क्वेश्चन ही पहले ही गलत हो गया, मैंने पूछा जो वो मेरा क्वेश्चन पहले ही गलत है कि सर पहली बात तो कंपोजिशन उस बंदे को तो मिलेगी नहीं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना ज्यादा होगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा। तो आप ये बात बोल रहे, ये तो आपकी बात क्या है, गलत है, आप इसे क्या कर दो, साइड कर दो, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 60,00,000 तक है तो मुझे उसका कितने परसेंट देना पड़ेगा, 1%, कितना परसेंट देना पड़ेगा, 1%, क्लियर है। तो याद रखना कंपोजिशन में 3 तरह के टैक्स हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1%, अगर आप ट्रेडर हो तो 1%, और अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 5%, कितना 5%, कितना 5%, कितना 5%, ठीक है। अब कंपोजिशन ना पहले क्या थी, सर्विस वालों को नहीं मिलती थी,
अगर गुड्स बेचोगे तभी मिलती थी, सर्विस वालों को नहीं मिलती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने के बाद इसको चेंज कर दिया, ठीक है, एक अमेंडमेंट आने के बाद चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा देखो कॉमन सी बात है, अगर कोई बंदा गुड्स बेचता है तो सर्विस जरूर बेचता है। मैं एसी बेचने का काम करता हूँ तो मैं सर्विस देता हूँ, जस्ट लाइक फिटिंग करना, रिपेयर करना, ये मेरा ही तो काम है। गुड्स ही बेच रहा हूँ, साथ साथ क्या बेच रहा हूँ? सर्विस। मैं किसी को बीजी सॉफ्टवेयर, टेली सॉफ्टवेयर लगा के देता हूँ तो उसकी ट्रेनिंग, उसके बारे में बताना, सर्विस तो देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर थे जो कंपोजिशन लेना चाहते थे, लेकिन किस बात के चक्कर में नहीं लेते थे, कि सर्विस पर नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ मिलेगा, कितना? 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से ज्यादा को उसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर एग्जाम्पल के लिए, वो एग्जाम्पल मेरे पास इसके अंदर डिस्कस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज हायर, ठीक है, जो दोनों में से ज्यादा होगा, मतलब 10% तक ही मैं सर्विस दे सकता हूँ, उससे ज्यादा की सर्विस नहीं दे सकता। देखो आपका टर्नओवर 50 लाख था, 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। अगर तुम्हारे टर्नओवर में 5 लाख की सेल है तो तुम्हें कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, सामान के साथ घुस ही बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? सर्विस। हम टर्नओवर कैसे निकालते हैं? हम टर्नओवर दो चीजों से निकालते हैं, कैसे? सेल प्लस, सॉरी, गुड्स प्लस सर्विस। क्या? गुड्स प्लस सर्विस। क्या? गुड्स। अब मेरा 50 लाख का टोटल टर्नओवर है जिसमें मेरी गुड्स भी शामिल और मेरी सर्विस भी शामिल, लेकिन टर्नओवर 45 मेरा गुड्स और 5 मेरी क्या है? सर्विस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से जो हायर होगा उसी को लेंगे। तो बताओ कितना है मेरा, कितना आएगा 50 लाख का 5%? 5 लाख। और मेरी सेल भी कितने की थी? सर्विस 5 लाख। तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? तो नहीं मिलेगी, 10% ज्यादा होगी तो आपको नहीं मिलेगी। ये रिस्ट्रिक्शन 10% तक ही मिलेगी या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है। क्यों 5 लाख क्यों नहीं बोलो? अगर मेरा टर्नओवर 60 लाख है, 60 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख होता है, ठीक है, 6 लाख हो गया। मैंने सर्विस एक्चुअल में दी 6 लाख, गवर्नमेंट ने अलाउ कितनी करी? 5 लाख। 5 लाख अलाउ है, मतलब अगर 5 लाख तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अगर तुम्हारी 3 लाख की सर्विस है तो 5 लाख तक अलाउ है, अगर 5 से ऊपर तो 1.5 लाख, ठीक है, ये बात याद रखना, 5 से ऊपर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ दिशांत, कोई प्रॉब्लम? चल सकते हैं आगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम लोग मेरे साथ चीटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मैं कुछ रूल बना देता हूँ। क्या? तुमने कहा हम रेस्टोरेंट वालों को अलाउ करते हैं, हम रेस्टोरेंट वालों को अलाउ करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम ले ले, लेकिन एक रेस्टोरेंट वाला क्या बेच रहा था? फूड। फिर क्या बेच रहा था? कोल्ड ड्रिंक। और साथ साथ क्या बेच रहा था? हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक का मतलब अल्कोहल। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे बंदे हैं तो हम उसे क्या नहीं देंगे? जीएसटी नहीं देंगे। उसे क्या नहीं देंगे? हम लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं लेंगे। अगर कोई बंदा इस तरह की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होगा तो हम उसे क्या नहीं देंगे? कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो कोल्ड ड्रिंक मतलब हार्ड ड्रिंक अल्कोहल पर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। तो बंदा एक्साइज बचा लेगा, अपना वेट बचा लेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा बाद में हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा हार्ड ड्रिंक बेचेगा और साथ साथ क्या है? रेस्टोरेंट, तो हम उसे उसकी फैसिलिटी नहीं देंगे, तो हम उसकी फैसिलिटी उसे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। ठीक है, वो भेज दूंगा सुबह सर मैं, ठीक है सर, ओके सर, मैं भेज दूंगा सुबह स्टाफ, ठीक है, मैंने यहाँ भेज दिया आगे। इसके बाद आउटवर्ड सप्लाई, क्या आ गई हमारी? आउटवर्ड सप्लाई आ गई, ठीक है, हमारी आउटवर्ड सप्लाई आ गई। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम कंपोजिशन वाले हो, तुम अगर क्या हो? कंपोजिशन वाले हो, तो उस केस में याद रखना
तुम दिल्ली से बाहर माल नहीं बेच सकते, ठीक है। तुम अगर कंपोजिशन वाले हो तो दिल्ली से बाहर माल नहीं बेच सकते। तुम्हारी कंपनी दिल्ली में है लेकिन आप दिल्ली से बाहर से क्या नहीं कर सकते, अलाओ नहीं कर सकते, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा, कहीं भी आप दिल्ली से बाहर माल नहीं कर सकते, लेकिन आप दिल्ली से बाहर माल खरीद सकते हो। गवर्नमेंट ने खरीदने के लिए तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन बेचने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी। छोटा व्यापारी उसे नहीं मानेंगे, जो लोकल बेचे उसे छोटा व्यापारी मानेंगे। अगर दिल्ली से बाहर गया तो तुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन तू दिल्ली से बाहर माल खरीद सकता है। आगे आ जाओ, क्लियर है? तो याद रखना कि कंपोजिशन वाला दिल्ली से बाहर माल खरीद सकता है। दूसरा एक बात याद रखना, कंपोजिशन वाला कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। कंपोजिशन वाला कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। मैं जितने का माल बेचूंगा उस पर टैक्स कभी भी चार्ज नहीं करूंगा, कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो मेरी बात ये माइंड में अपने बिल्कुल बैठा लो कि कंपोजिशन वाला कभी भी क्या नहीं करेगा, टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, तो उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। और साथ साथ अपने बिल पर लिखेगा आई एम ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड आई एम नॉट कलेक्ट टू टैक्स टू पार्टी, कि मैं किसी से टैक्स कलेक्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है। और जब वो बिल काटेगा तो बिल के टॉप पर लिखेगा बिल ऑफ सप्लाई, क्या लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई। आज तक हम लोग क्या काटते थे, टैक्स इनवॉइस, लेकिन अब क्या काटेंगे, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बिल ऑफ सप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हम इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। तो आप एक बात बिल्कुल फिक्स कर लो, यस, हाँ ले सकता है, उससे ऊपर होगा तो नहीं ले सकता, हाँ। तो अब तुम्हें टैक्स जो पे करना है वो तुम्हारे टर्नओवर का 1% पे करना है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम जितना भी माल बेचते हो उसका 1% तुम्हें अलग से टैक्स देना है गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, जो तुम माल खरीद के लाओगे उसका तुम्हें ITC नहीं मिलेगा। कंपोजिशन की क्या है ये रिस्ट्रिक्शन है कि तुम लोग जो परचेज करते वक्त टैक्स दे के आओगे उसका तुम्हें ITC नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका ITC नहीं मिलेगा, उसका ITC तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन पे करेगा, लेकिन उसका क्लेम गवर्नमेंट से नहीं लेगा। हाँ तो इसलिए तो कंपोजिशन लेता ही कोई नहीं है, डबल नुकसान है। पहली बात, मैं लोगों से माल खरीदूंगा, लोगों को टैक्स दूंगा, मुझे उसका ITC नहीं मिलेगा। मैं लोगों को सेल करूंगा, उससे टैक्स नहीं ले सकता, और जितना टर्नओवर होगा उसका 1% मुझे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। तो कौन लोग स्कीम में जाएंगे, दिल्ली से बाहर तो माल बेच नहीं सकते, और भी बहुत सारे कंप्लायंस इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं, जो डिटेल में होते हैं, जिसके लिए हमें लॉ पढ़ना पड़ता है। तो बताओ, ऐसे के लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो उस केस में हम क्या करें। तो बस सिंपल सी बात है, कंपोजिशन छोटे व्यापारी को मिलती है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, वो दिल्ली से बाहर माल बेच नहीं सकता। जितना भी माल बेचेगा, अगर मैन्युफैक्चर होगा तो 1%, ट्रेडर होगा तो 1%, और अगर रेस्टोरेंट होगा तो 5%। क्लियर है? और अपने टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को टैक्स देगा, 3B भी नहीं भरेगा, 1 भी नहीं भरेगा, 2 भी नहीं भरेगा, और GSTR 4, जिसका नाम चेंज हो के फॉर्म GSTR या फिर CMP 08 गवर्नमेंट ने कर दिया, और ये क्वार्टरली जाती है, और इसकी लास्ट डेट क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख है। क्या डेट है? क्वार्टर खत्म होने के बाद 18। पहली क्वार्टर कब होती है? अप्रैल, मई, जून, तो इसकी जुलाई की 18 तारीख तक, ठीक है, समझ आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हम लोगों को स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली इसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप लोग इसकी नोट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में हमारे पास GST प्रोजेक्ट, GST नोट्स, कंपोजिशन, और पहला है प्रोजेक्ट 1 कंपोजिशन का, ये खुल नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा।
ठीक है। कंपोजिशन में प्रोजेक्ट वन है हमारा शिवम ट्रेडर के नाम से, तो हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं किसके नाम से, शिवम ट्रेडर्स। पार्टी जो है वो बिहार की है, तो हम बिहार डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार और उसका जीएसटी नंबर भी कितने से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट। क्लियर है, बिहार डाल दिया। और फिर हमने F11 दबा के स्टैचरी टैक्सेशन में जाकर शिवम को सिलेक्ट करके यहाँ तक जहाँ तक हम लोग रेगुलर लेते थे, अब क्या कर देंगे, कंपोजिशन बस। ठीक है, कंपोजिशन जैसे ही मैंने करा, कंपोजिशन करने के बाद उस बंदे का जीएसटी नंबर 10BPVPK2875Q1Z3 और इसे सेव कर दो, ईवी बिल के लिए भी मना कर देते। ठीक है, सेफ हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ, हमने इससे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा, आप डाल दो। हमने परचेज करा दिव्या इंटरप्राइज, और दिव्या कहाँ की है, दिल्ली की है, तो हमने क्या करी, अदर स्टेट माल बेचा, क्योंकि हम बिहार के हैं और आप कहाँ के हो, दिल्ली के, तो हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में आएंगे, परचेज पे आएंगे, और यहाँ पर परचेज का इनवॉइस नंबर है 1/4/2019, पार्टी का नाम ओल्ड सी, और क्या लिख देंगे, दिव्या इंटरप्राइज, ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको नो कर देंगे, यहाँ दिल्ली कर देंगे, और ऐसे रेगुलर डीलर होगा तो रेगुलर, कोई भी हो यहाँ लिख दो 0, और ये रेगुलर ही होगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली से बाहर माल बेचा है, और कंपनी यहाँ कभी भी दिल्ली से बाहर माल नहीं बेच सकता, खरीद रहा है ना ये, हाँ वो तो उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाए पी ए, ठीक है, हमने सेव कर दिया, सेव हो गया, हमने यहाँ क्या लिख दिया, ऑल सी परचेस, क्या डाल देंगे यहाँ पर, परचेस और सेव। ठीक है, टैक्स कितने परसेंट है, टैक्सेबिलिटी, ठीक है, टैक्सेबल है, ठीक है, आ जाओ इतना, यहाँ क्या लिख दो, शर्ट, ठीक है, पीस बना लो, दो डेसिमल लिख दो और सेव कर दो, जीएसटी एप्लीकेबल करना है कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि टैक्सेबल तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी, 400, ठीक है, कितना, 240, और कितने टैक्स लगेगा, 5%, तो लगा देंगे 5%। फिर और सी क्या आइटम है हमारी, शर्ट सिल्क पीस, यस, वालेकुम सलाम, टैक्सेबल हो, सेफ, कितनी, 280, कितनी आपकी हो गई 280, फिर और सी कितनी, शर्ट, ठीक है, पीस, यस, टैक्सेबल कर दो, ठीक है, इंटर, कितना, 320, और कितना, 190, ठीक है। अब क्या लगेगा, 5% IGST लगेगा, क्या लगा होगा, IGST, तो यहाँ क्या लगा दो, IGST, और आगे लिख देना नन, ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्लेम नहीं मिलेगा, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। क्यों एक्सपेंस हमने डाला, क्योंकि इसका हमें ITC नहीं मिलेगा, और ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, कितना, 5%, ठीक है, और क्या कर दो, सेव कर दो, और जब सेल करोगे तो टैक्स लगाना ही मत, क्या करना, टैक्स लगाना ही मत, क्लियर है। तो कल आप लोग ये दो प्रोजेक्ट कर देना। सर एक बात समझ नहीं आई, देखो जब हम इस पर इंटर मार रहे थे तो गवर्नमेंट कह रही थी ये टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट, ये क्यों पूछी, देखो गवर्नमेंट इसलिए पूछ रही थी कि तुम कोई ऐसी आइटम तो नहीं खरीदे जो टैक्स फ्री है, जब तुम माल बेचोगे तो गवर्नमेंट को पता करना पड़ेगा ना तुम कितना एग्जाम बेचते हो और कितना टैक्सेबल, क्योंकि एग्जाम पर तो टैक्स लेगी, जितना टैक्सेबल होगा उस पर ही 1% तुमसे टैक्स लेगी, और अगर तुम लोग सेल भी करके दिखाओ या कर लोगे आप लोग, हाँ
सेल तो वैसे ही करना जिसमें टैक्स नहीं लगाना बस। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये पार्टी दिल्ली की थी, वो बिहार की थी, वो हम दिल्ली की थी, तो IGST लगे, CGST IGST मत लगाने बैठ जाना। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, फिर कहाँ जाएंगे, स्टैच्यू रिपोर्ट, GST, और रिटर्न में कौन सी खुलेगा, GST CMP 08, और एक रिटर्न का होगा GST R1। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंपोजिशन का छोटा सा टॉपिक था। अभी आप बैठ के